सोचिए, अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो क्या आज इंडिया को स्पोर्ट्स, साइंस, फिल्म और मिलिट्री में कोई पीछे कर सकता था। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर अखंड भारत में पॉलिटिकल, सोशल, आर्थिक हालात और प्रॉब्लम्स कैसा होता। ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब अंग्रेजों ने इंडिया को दो नेशंस, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रॉब्लम खत्म हो सके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो पेपर पर दो लाइन खींचकर अपने फायदे के लिए बंटवारा कर दिया। पर इस पटिशन की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन हुआ, जिसमें 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए और लगभग 10 से 20 लाख लोगों ने लड़ाई के कारण अपनी जान गंवाई। लेकिन इस इवेंट ने लगभग 200 सालों के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को खत्म किया। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की, अब जानते हैं राजनीति पर क्या असर होता। सोचिए, अगर ब्रिटिश इंडिया 1947 में एक सिंगल यूनाइटेड कंट्री के रूप में इंडिपेंडेंस पाता तो नेहरू और जिन्ना जैसे नेता मिलकर सरकार चलाते, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्री नहीं बनती और बंटवारे में न ही लोगों की जान जाती, न ही लड़ाई होती, जिससे आपसी भाईचारा, सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता, जो मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देता। तब अखंड भारत की इंटरनेशनल प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रांग होती और इंडिया की मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा होती, क्योंकि लगभग 170 करोड़ की आबादी वाला देश माना जाता। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। अगर पार्टीशन न हुआ होता तो सोशल बॉन्डिंग, धर्म और कल्चर को बढ़ावा मिलता, जो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच हार्मनी के मौके बढ़ाता, जिससे होली, ईद, दीपावली और बकरीद साथ में मिलकर मनाते, जो सभी धर्मों के बीच यूनिटी को बढ़ावा देता। लेकिन ढेर सारी भाषाओं और कल्चर की वजह से चैलेंजेस बने रहते, पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सबको जोड़ने के साथ साथ दुनिया की सबसे अच्छी फिल्में बनाता, क्योंकि शाहरुख खान, दानिश तैमूर, अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान, यश चोपड़ा और राजकुमार जैसे लोग मिलकर काम करते। और इसके साथ साथ इंडिया दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम होती, जिसमें विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, मोहम्मद आमिर, बुमराह, शाहीन अफरीदी, सकीबुल हसन और शमी जैसे खिलाड़ी होते, जो किसी भी टीम से जीत सकते थे। और तो और, तब इंडिया की वेरी रिच हिस्ट्री भी होती, जिसमें ताजमहल, मोहनजोदड़ो, लाल किला, लाहौर फोर्ट, हवा महल और हड़प्पा जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वजह से इंडिया लोगों का पहला पसंद होता, क्योंकि इतना डाइवर्स कल्चर शायद ही किसी देश में होता, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम और हिंदू देश माना जाता। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर अनडिवाइडेड इंडिया होता तो इसकी टोटल जीडीपी लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होती, जो दुनिया की तीसरी सबसे रिच कंट्री होती, जिसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ डाइवर्स रिसोर्सेज और लार्ज लेबर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती, जो लोगों में बेरोजगारी और गरीबी बहुत हद तक कम कर देता, जिससे इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफी आगे बढ़ जाते। और फिर इंडिया ग्लोबल मार्केट को लीड करता, क्योंकि तब एक सटीक लोकेशन पर होने का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां भारत में भारी इन्वेस्ट करती। और ये सोचिए कि अब्दुल कदीर, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, अब्दुल सलाम और डॉक्टर सीवी रमन जैसे महान साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च करते तो इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल जाता। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। दुनिया भर में इंडिया एक काफी मजबूत देश होने के साथ साथ जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट डालता, क्योंकि तब इंडिया और पाकिस्तान में न ही बॉर्डर डिस्प्यूट होता और न ही आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं रहता, जिसके कारण सीमा सुरक्षा और मिलिट्री पर इतने पैसे नहीं खर्च होते। कुल मिलाकर एकजुट भारत की विदेश नीति ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन जैसी बड़ी ताकतों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते, जिससे ये अपने हितों को आसानी से पूरा करता और आर्थिक मदद, रणनीतिक बातचीत को बढ़ावा मिलता, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाता। इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में काफी मजबूत होता, क्योंकि इसकी एक्टिव सेना 19,20,000 होती और रिजर्व सैनिक 15,32,000 होते, यानी टोटल 34,52,000, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती, जिसकी वजह से चाइना, जो घुसपैठ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। करंट डे स्पेकुलेशन एंड प्रॉब्लम्स। अगर भारत एक ही देश होता तो आज के समाज की राजनीति और अर्थव्यवस्था बहुत अलग होता, क्योंकि अलग अलग हिस्सों की डाइवर्सिटी और रीजनल डिफरेंसेस जैसी प्रॉब्लम्स तो होती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होता। और पाकिस्तान के साथ टेंशन्स न होने के कारण रिसोर्सेज को कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाया जा सकता था, जिससे
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा बैलेंस्ड होता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता और नए नए इनोवेशंस होते। सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिसीज डेमोक्रेसी को मजबूत करती और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स रीजनल पीस में मदद करती। कुल मिलाकर एक यूनाइटेड भारत यूनिटी के फायदों को दिखाता, जिससे ये दुनिया में एक समृद्ध और प्रभावशाली देश बनता।